तो आराम से अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, इस तरीके से। ऐसे लेट गए हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे लेटने के बाद आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैर के एड़ियों को और घुटनों के बीच में कमर जितना फासला कर लेंगे। दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे। अभ्यास कर रहे हैं सेतु बंध आसन का, या इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्रिज पोज, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखा और फिर उसके बाद धीरे से अपनी कमर को इस तरीके से उठाना है, जितना उठा सके। ऐसे अपनी जो कूल्हे की मसल्स है ना, इनको थोड़ा टाइट करना है, हिप को ऊपर की तरफ पुश करते रहना है, ताकि पेट पर अभी सारा दबाव पड़ रहा था और अभी बहुत अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है। 5, 4, 3, 2 और 1, और फिर धीरे से हिप डाउन कर दें। दूसरा वेरिएशन क्या कर सकते हैं इसमें, सांस लें, होल्ड करें पॉस्चर को और धीरे से अपनी कमर के नीचे ऐसे हाथ रखें और कमर को जितना उठा सकते हैं उठाएं। और आप क्या करेंगे पता है, यहाँ पे पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, ताकि पेट पर एक बहुत अच्छा दबाव आए। ऐसे कमर ऊपर की तरफ उठी हुई हो और जो पेट की सारी मांसपेशियां हैं इसको अंदर की तरफ पुल करेंगे। ऐसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। सांसों को रोक करके अभ्यास ना कर पाए तो फिर सांसों को लेते और छोड़ते रहें।